नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य रणजीत सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस शंखों की रहस्यमय संसार में मैं आपको बताने वाला हूं म्यूरेक्स कॉन्च के बारे में। शंख एक अपने आप में एक दुर्लभ वस्तु है जिसे रत्न के समान माना गया है, अपने आप में देवतुल्य माना गया, देवताओं का स्वरूप और जिसमें देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवताओं का जिसमें वास है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के जल के संगम का जो जल होता है उसका जितना महत्व होता है उससे कहीं ज़्यादा शंख के अंदर शंखोदक जल का, शंख के जल का महत्व होता है। और आज इस शंखों के रहस्यमय संसार में से एक रत्न चुन के मैं आपके लिए लाया हूँ जिस शंख का नाम है सूर्य शंख। जी हाँ, जिसे गरुड़ शंख भी कहते हैं। और यह शंख सूर्य की तरह तेजोमयी और कांटेदार होता है, इसे म्यूरेक्स भी कहते हैं। और ये म्यूरेक्स की हजारों प्रजाति पाई जाती है इस शंख में, पर इसकी जो मुख्य प्रजाति होती है उसमें ये श्वेताकार होता है और इसमें हजारों सहस्त्र छोटे छोटे कांटे बने होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में मिलता है, मीडियम साइज़ में मिलता है। और इसकी आवाज़ बहुत पतली रहती है और ये गरुड़ जैसा प्रतीत होता है, जैसे गरुड़ भगवान होते हैं। अगर आप इसको एक तरफ से रख के देखिए तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे साक्षात गरुड़ बैठे हैं आपके सामने। इस शंख के जल के अंदर फॉस्फोरस और कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह शंख पतला रहता है, यह शंख की जो परत रहती है ये पतला रहता है और ये कच्चा स्वभाव का रहता है, इसलिए इस ये जल्दी टूट जाया करता है आमतौर पर। तो इसमें आप पहचान नहीं कर पाओगे कि घटिया क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि इसके कांटे जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, वो अलग अलग हिसाब से होते हैं। हर शंख में अलग अलग तरीके के डिज़ाइन में कांटे रहते हैं, तो अगर कहीं से टूट भी जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, घटिया क्वालिटी का पहचानना बहुत, मतलब आपको उसके लिए बहुत काफ़ी पारखी नज़र चाहिए। और वो तभी होगा जब आप कहीं से बढ़िया क्वालिटी का आप अच्छी तरीके से लेंगे। ये आमतौर पर सस्ता मिलता है, पर घटिया क्वालिटी के होने के कारण आजकल लोग इसको लेते नहीं हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का आपको मिले तो ही आप इसे लीजिए, प्रमाणिक होना चाहिए। इसे अपने नाम और गोत्र से सिद्ध करने से, सिद्ध करा के आप इसे उत्तर की दिशा में रखने से विवाह में विलंब और असाध्य जो रोग होते हैं, और ख़ासकर कई लोगों के घर में कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छुओं को आना जाना लगा रहता है, और ऐसे अनचाहे मेहमानों को कोई अपने घर में नहीं रहना देना चाहता। तो जो लोग ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए ये रामबाण हैं सूर्य शंख को, जो इसे सूर्य शंख और गरुड़ शंख कहा जाता है। सूर्य शंख को अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, नाम और गोत्र से सिद्ध कीजिए, इसमें चावल भर के रखिए तो आपको आनंद ही आनंद रहेगा आपकी ज़िंदगी में, कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी। कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा विपत्तियां आती रहती हैं, उपद्रव आते रहते हैं ज़िंदगी में, हर क्षण कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है, जिसे क्लेश कहते हैं, स्यापा भी कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें इस शंख को रखने से काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और इस शंख में ये चीज़ रहती है कि आपको इसको आप अपने हाथ में आप रखेंगे तो आपको चुभेगा, और ये बहुत ही रंग बिरंगा पाया जाता है, बहुत नेचुरल में आप लोएंगे तो बहुत रंग होंगे इसमें। और अगर इसको आप अच्छे तरीके से पॉलिश्ड और वेल क्लीन लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। घटिया क्वालिटी की ये होता है कि उसमें बदबू आती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं होता और पुराना होता है। तो ये पहचान हो गई। और घटिया क्वालिटी में ये रहता है, कच्चा होने के कारण ज़्यादा आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि टूट फूट ज़्यादा होती है तो पता लग ही जाता है आँखों से। और आम शंखों के मुकाबले इसकी आवाज़ पतली रहती है, बड़े साइज़ में काफ़ी अच्छा बजता है, छोटे साइज़ में मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसे बजाएं।
मैं राय कभी नहीं दूंगा, ठीक है? तो अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक आप लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से क्या रहता है कि आप अपना ज्ञान जो आपको मिला वो आप और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ये ऐसी नॉलेज है जो जितनी बढ़ाई जाए उतनी बढ़ती है। क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा शंखों के जो साहित्य हैं, जो शंखों का संसार है, जो शंख शास्त्र है, उनका अध्ययन करना पड़ता है, तब जा कर के आपके लिए मैं ये सब बातें ला पाता हूँ और मैं आपको समझा पाता हूँ कि विष्णु शंख अलग चीज़ है, देवदत्त शंख अलग चीज़ है, और सूर्य शंख अलग चीज़ है। हर चीज़ में भेद होता है। अब लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कोई भी शंख लेंगे उसको अपना इनाम दे देंगे, ये गलत बात है। जो शास्त्रों में लिखा है उसे ही कृपया वही रहने दीजिए, उसका नाम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, परमात्मा पर कृपा करे, ऐसे ही आपको और ज्ञान मिलता रहे। नमस्कार।